जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी सर्दी के मौसम में मेथी, पालक और बथुआ जैसी भाजी काफ़ी अच्छी और फ्रेश मिलती है, तो आज हम बथुआ का उपयोग करके बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पूरी और पराठे बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए। बथुआ की पूरी और पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथकर तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सिंग बोल में मैंने 2 कप यानी कि वज़न के मुताबिक 250 ग्राम गेहूं का महीन आटा लिया है, जो रोटी बनाने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। उसमें स्वादानुसार या 1.5 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हींग, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच अजवाइन और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। हम जो रूटीन मसाले घर में उपयोग में लेते हैं वो ही ऐड करने हैं। उसके साथ हम मोयन के लिए 3 से 4 चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। अब उसमें 1 कप रफली चॉप किया हुआ बथुआ ऐड करें। बथुआ का उपयोग करके आप कोई भी रेसिपी बनाएं, तब एक बात की खास सावधानी रखें कि उसके पान का ही उपयोग करें, उसके जो डंठल और फूल हो उसे निकाल दें। सभी इंग्रेडिएंट्स को हाथ की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। आप इसमें 2 टेबलस्पून जितना बेसन भी ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा तीखा खाना पसंद हो तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसमें आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाए, और ज़्यादा सख्त भी नहीं और ज़्यादा नरम भी नहीं, वैसा मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। एक साथ ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग ना करें, वरना आटा नरम हो जाएगा। आटे को गूंदने के बाद उसे 10 मिनट तक ढककर रखें। बथुआ का सेवन करने से हमारे शरीर की डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बनती है, और ये आँख, बाल और स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। 10 मिनट तक आटे को ढककर रखने के बाद उसके ऊपर आधा चम्मच जितना तेल ऐड करें, और उसे हल्के हाथों से मसल कर उसमें से मीडियम साइज़ की लोई बनाएं। कभी हम ट्रैवलिंग पर 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हो और घर से कोई नाश्ता बना कर ले जाना हो, तो इस तरह की पूरी और पराठे आप ले जा सकते हैं। सर्दी के मौसम में बथुआ का सेवन हम सबको अवश्य करना चाहिए। पूरी बनाने के लिए लोई को चकले के ऊपर रखकर उसमें से मीडियम पतली साइज़ की पूरी बेल लें। अगर आपको चाय के साथ खाने के लिए थोड़ी सॉफ्ट पूरी पसंद हो तो थोड़ी मोटी बेलें, और अधिक क्रिस्पी करनी हो तो पतली पूरी बेलने के बाद फॉक की मदद से उसके ऊपर 8 से 10 छेद करें। इस तरीके से बारी बारी हम सभी लोई में से पूरी बेल लेंगे। पूरी को मीडियम गर्म तेल में लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक डीप फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त उसके ऊपर इस तरह से जारा लगाते जाए ताकि वो अंदर से भी बिल्कुल कच्ची ना रहे। आप इसी मेथड के मुताबिक मेथी की भाजी का उपयोग करके भी पूरी बना सकते हैं। एक बार पूरी को तलने में 1.5 से 2 मिनट का समय लगता है। जारा की मदद से उसे फ्लिप करते जाए ताकि दोनों साइड से वो अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। पूरी अच्छे से फ्राई हो जाए फिर कढ़ाई में से बाहर निकालें, और इसी मेथड के मुताबिक बाकी की पूरी को भी डीप फ्राई करें। मैंने मेरे चैनल पर बथुआ की कढ़ी, बथुआ के ग्रीन पराठे और बथुआ का रायता बनाने की रेसिपी पोस्ट की है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर दिया है। सभी पूरी को बेलने के बाद हमने जो बड़ी साइज़ की लोई बनाई थी उसमें से मीडियम थिक साइज़ के पराठे बेलेंगे। आप इसे बथुआ के थेपला भी कह सकते हैं। बथुआ का रायता और कढ़ी बनाते वक्त हम उसे पालक की भाजी की तरह ब्लांच करते हैं, लेकिन इस तरह से पूरी या पराठे बनाओगे तो उसे ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं है। नॉनस्टिक तवे को प्री हीट करके हम उसके ऊपर थोड़ा तेल रखेंगे, और जो पराठे हमने बेल कर रखे थे वो दोनों साइड से अच्छे से सीख जाए तब तक हम उसे रोस्ट करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे फ्लिप करते जाए, और आवश्यकता के अनुसार उसके ऊपर और साइड में थोड़ा तेल रखते जाए। पराठे या थेपला बनाते वक्त आटा गूंदने में और सेकने में तेल का उपयोग थोड़ा अधिक करोगे तो वो लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। इस तरह से बनाए हुए बथुआ के पराठे काफ़ी टेस्टी तैयार होते हैं। एक पराठे को सेकने में करीबन 3 मिनट का समय लगता है। गर्मा गर्म पराठे को हम स्टील की रैक के ऊपर रखेंगे ताकि वो नीचे से सौगी ना हो जाए। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार के थेपला और पराठा की रेसिपी मैंने चैनल पर पोस्ट की है, जिसके लिंक ऊपर आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर दिए हैं।
गर्मा गर्म थेपला और पूरी को हम बथुआ के रायता के साथ सर्व करेंगे। आप अचार या चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बथुआ का उपयोग करके आप कौन सी रेसिपी बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें।